हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अगर आपने अपने 2 या 3 पेजेस आपने नए बनाए हैं अपनी वेबसाइट में, तो आप कैसे गूगल को बता सकते हैं कि आप आइए और उसे क्रॉल कीजिए, देन उसकी इंडेक्सिंग कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने सर्च कंसोल पर जाना होता है, देन वहाँ पर सारा प्रोसीजर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कैसे करते हैं हम। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं मैं अपने सर्च कंसोल के प्रॉम्प्ट पे आ चुकी हूँ, विंडो पे आ चुकी हूँ। देन आपको अपने कवरेज सेक्शन में आना है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सक्लूडेड दिखा रहे हैं। वैलिड पेजेस में मैं आपको दिखा देती हूँ। वैलिड पेजेस में आपको क्या दिखा रहा है कि जो मेरे पेजेस इंडेक्स तो हैं बट साइट मैप में सबमिटेड नहीं है, और 46 पेजेस जो हैं मेरे वो इंडेक्स्ड भी हैं और साइट मैप में इंक्लूडेड भी हैं। तो मैं आज आपको बताने लगी कि अगर आपने कोई नया पेज बनाया है और वो साइट मैप में सबमिट नहीं है तो उसे हम कहाँ देखेंगे, वो हम एक्सक्लूजन में देख सकते हैं, एक्सक्लूडेड में देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे 69 पेजेस हैं जो क्रॉल्ड तो हैं बट इंडेक्स्ड नहीं है। तो हम देखते हैं वो कौन से पेजेस हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इतने सारे पेजेस हैं जो क्रॉल्ड तो हैं बट इंडेक्स्ड नहीं है। तो इनके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो रोबोटॉस टेक्स्ट की ब्लॉकिंग के लिए टेस्टिंग टूल है एंड एक इंस्पेक्ट यूआरएल टूल है। तो हम इंस्पेक्ट यूआरएल पे करेंगे। जैसे ही आप इंस्पेक्ट यूआरएल करेंगे तो ये गूगल के इंडेक्स में देखता है कि ये पेज गूगल पे अवेलेबल है या नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने बता दिया है कि यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, बट मैंने तो इसे ऐड किया था तो ये गूगल पे शो क्यों नहीं हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार इसका लाइव टेस्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसका लाइव टेस्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लाइव टेस्ट में, और ये आपको बता देता है कि ये जो आपका स्पेसिफिक पेज है वो गूगल में अवेलेबल है या नहीं है। तो हम यहाँ वेट करते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पेज गूगल पे अवेलेबल है और ये इंडेक्स्ड भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे। हम जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे, यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है। ये तो हो गया एक तरीका कि आप एक एक करके कैसे सारे पेजेस की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। और अगर आपने बल्क में पेजेस बनाए हैं तो उसकी इंडेक्सिंग के लिए आपको क्या करना होता है, आपको वही साइट मैप वाली वीडियो जो मैंने अभी आपको अपलोड की थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको साइट मैप अपना जनरेट करना है साइट मैप जनरेटर टूल की हेल्प से, और उसको अपनी रूट डायरेक्टरी में सेव करना है। रूट डायरेक्टरी में सेव करने के बाद उसके यूआरएल को आपको अपने सर्च कंसोल में ऐड करना है, एंड देन गूगल उसकी इंडेक्सिंग ईजली आराम से उस बल्क यूआरएल्स की इंडेक्सिंग ईजली कर पाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सर्च कंसोल से कोई भी क्वेरी हो या और भी थॉट्स पता हो तो आप जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।